गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 11 अगस्त 2021, वर्ग प्रथम, विषय हिंदी, अध्याय 3। अध्याय का नाम है कविता सवेरा। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पहले बच्चों, आप लोग कविता पढ़ने के लिए सीखिए, भाव भी सीखिए, है ना। कविता पढ़ाई हो रही है, आप लोग ध्यान से सुनिए और किताब को अवश्य रीडिंग दीजिए, प्रतिदिन रीडिंग दीजिए। तो सुनिए कविता। पूरब की गलियों से देखो, दिन का राजा आया, एक एक सब तारे भागे, चांद बड़ा शर्माया, चिड़ियों ने भी चहक चहक कर मीठा गाना गाया, कलियां खोल रही है आंखें, फूल फूल मुस्काया, देखो एक किरण खिड़की से तुम्हें जगाने आई, छोड़ो नींद उठो मुखो धो लो, माँ पानी ले आई है। देखिए बच्चों कविता, देखिए पढ़ने के लिए आप लोग सीखिए, इसी भाव में घर पर पढ़िए। और ये सवेरा कविता जो है, आप लोग देखिए माँ एक चित्र में, देखिए किताब में माँ जो है अपने बच्चों को जो है उठा रही है। सवेरा हो गया, माँ कह रही है सवेरा हो गया, बेटा जागो बेटा जागो, है ना। पूरब की गलियों को से देखो, माँ क्या कहती है क्या अपने बेटा को, पूरब की गलियों से देखो, दिन का राजा आया। दिन का राजा कौन होता है? सूर्य भगवान उग गए हैं। एक एक सब तारे भागे, चांद बड़ा शर्माया, रात में जो है क्या होता है, चांद रहता है, और चांद की रोशनी जो है जगमग जगमग रहता है, जगमगाते रहता है, तारे टिमटिमाते रहते हैं, और वह सब जो है जय दिन जब हुआ, सूर्य भगवान जब उग गए तो सब भाग गया। चिड़ियों ने भी चहक चहक कर मीठा गाना गाया, चिड़ियाँ भी जो है चहचहाने लगी, कलियाँ खोल रही है आँखें, फूल फूल मुस्काया, और फूल जो है मुस्कुराने लगा, है ना। आप 10 बजे आप फूल को देखे होंगे, जब आप सूर्य भगवान उगते हैं, जब धूप लगता है 10 बजे वो फूल जो है मुस्कुराने लगता है। ऐसे तो प्रतिदिन सवेरा होते हैं फूल जो है खिल जाते हैं, फूल मुस्कुराने लगते हैं, है ना। देखो एक किरण खिड़की से तुम्हें जगाने आई, छोड़ो नींद उठो मुँह धो लो, माँ पानी ले आई, है ना। कविता में बच्चों आपकी माँ भी सवेरे में उठाती होगी, है ना। तो आप लोग को उठना चाहिए, और सवेरे उठकर क्या करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, है ना। आप लोग, मुझे विश्वास है आप लोग घर पर अवश्य माता पिता को प्रणाम करते होंगे, है ना। यदि नहीं करते हैं तो यह बहुत भारी गलती कर रहे हैं आप लोग। आप लोग जो है सबसे पहला काम है, सबसे अच्छी पढ़ाई यही है कि माता पिता और बड़ों को सम्मान कीजिए, माता पिता को प्रतिदिन या गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। अभिवादन शीलस नित्यं वृद्धा सेवना चतवारी तस वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। इस प्रकार बच्चों आप लोग अनुशासित रहिए, घर पर है माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, मिलजुल कर रहिए। अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत।